अभी मेरी हेयर कंडीशन कैसी है? फॉल बहुत ज्यादा है। आप रोज मेरी ऑयल फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर कर लिया है। बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि फ्रेग्रेंस भी बुरी नहीं है। ये बॉटल होगी, इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। अभी से 9 महीने पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने 4 महीने के हेयर स्मूथनिंग का एक्सपीरियंस शेयर करा हुआ था। अभी हेयर स्मूथनिंग करवाए मुझे 13 महीने कम्प्लीट हो चुके हैं। बहुत लोगों ने पूछा कि अभी मेरी हेयर कंडीशन कैसी है। सच में मेरा बताने का मन नहीं कर रहा था कि ये कुछ सुधरा नहीं था। अभी भी मेरी हेयर कंडीशन वैसी ही है जैसी मेरी अभी से कुछ महीने पहले थी जब मेरे स्मूथनिंग के 4 महीने कम्प्लीट हुए थे। कुछ नहीं चेंज हुआ है। हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, सीवियर हेयर फॉल। और उसी वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सजेशन भी दिए थे कि ऐसे करना चाहिए। बहुत सारे सॉल्यूशंस मुझे बताए थे जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट आया था आप रोज मेरी ऑयल यूज करो, रोज मेरी लीफ यूज करो। तो यार स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है पर्सनली अपने लिए, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत 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 ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो रहा है। तो क्या ही मैं स्पॉन्सर करने वाली हूँ। वैसे भी मैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट अगर कुछ भी बनाती हूँ तो वीडियो के ऊपर कहीं दिख जाता है, इसमें नहीं दिखने वाला क्योंकि मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर कर लिया है रोज मेरी लीफ, क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे गाइड करा हुआ था कि शिवी आप अपने हेयर्स में रोज मेरी लीव लगाओ बॉइल करके, आपके हेयर्स के लिए अच्छा होने वाला है। तो यार आप सभी के कॉमेंट्स को पढ़ के, उसके ऊपर रिसर्च करके, और बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में वीडियोज बनाई थी, डिस्कशन किए थे, और उन्होंने बताया था कि इसका रियल में रिजल्ट मिलता है। वो देखने के बाद फाइनली मेरा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो चुका है 2 से 3 दिन पहले, लेकिन वीडियो बनाने के लिए फिर भी मैंने बहुत लेट कर दिया। यार पता है मैं बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा पजल थी, इधर में उधर में, कुछ काम यहाँ आ जाते थे, कुछ एग्जाम आ जाते थे, घर जाना होता था, मतलब जैसे ही छुट्टियां हुई मैं घर आ गई, घर से आई तो एग्जाम आ गए, यही सब मेरी लाइफ में चल रहा था। तो ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा लेट हो गई, लेकिन मुझे था कि जो भी चीज मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ अगर कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसके साथ में मैं वीडियो बनाऊँ अच्छे से। तो वो दिन आ गया जब मुझे लगता है कि एक सॉल्यूशन मुझे मिला है और मुझे सच में इसे बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उतरा अपने बाल जब एकदम ही खत्म होने वाले हो, एकदम क्या बताऊं, अपने हेयर कंडीशन बता देती हूँ। मेरे हेयर में अपने हाथों से मैंने मेजरमेंट करा था पहले, वो इतने थे, मे भी इतने थे, और अभी इसके भी आधे हो चुके हैं यार, बाल खत्म हो चुके हैं, लिटरली खत्म हो चुके हैं, देख सकते हो इधर कुछ बचे हैं, ये बाल मेरे पूरे खत्म हो चुके हैं एक तरीके से कह लो तो, बस इतने ही बचे हैं कि मैं इनको और बचा लूं तो ही ठीक रहेगा, वरना अगर ये खत्म हो गए ना तो समझ लो मैं बैडनेस वाली प्रॉब्लम होने वाली है, मैं गंजी हो जाने वाली हूँ, लिटरली बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये मैं हंस भले रही हूँ लेकिन मेरे मन में ना कभी कभी एक्चुअल में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। मैं अपनी एक पर्सनल चीज शेयर करूँ, कभी कभी मुझे सपना ऐसा आने लगता है मैं बाल ही पूरे टूट गया तो यार क्या होने वाला है। होता है आपके साथ में, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आपके साथ में जरूर ये चीज हुआ होगा कि आपको बहुत नेगेटिव चीजें दिमाग में आती है बालों को लेकर के। बाय द वे हेयर कंडीशन की जो वीडियो है, अगल बगल तिरछे मिर्छे कहीं भी आपको दिख जाएगी, आप लोग देख लो कि मेरे कितने ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, और इधर पूरा गंजा बाल दिखने लगा है बुरी तरीके से। जब मैं कंघी करती हूँ, बाल अपने टाई करती हूँ ना, तो यहाँ से पूरे मतलब होता है स्कैल्प दिखने लगता है आपका, वही वाली कंडीशन मेरी प्रेजेंट टाइम में है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि रोज मेरी लीव को कैसे यूज किया जाता है। और एक चीज और ध्यान से सुनना, आज से मैं एक चैलेंज लेने वाली हूँ नेक्स्ट 15 डेज तक का, जिसमें मैं डेली रोज मेरी लीव को यूज करने वाली हूँ, एवरीडे यूज करने वाली हूँ, और रोज का एक वीडियो शूट करूंगी जब मैं रोज मेरी लीव को यूज करूंगी तो, और 15 दिन के बाद इसका जो रिजल्ट होगा उसके साथ में पूरी वीडियो को मर्ज करके एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग एक्साइटेड हो उस वीडियो को देखने के लिए ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो देख पाओ और आप सभी की हेल्प हो पाए। भगवान से दुआ करना कि मेरी भी ये प्रोडक्ट हेल्प कर पाए। और अभी चलते हैं इसको बनाते हैं, जैसे भी इसको बनाना है इसके सारे रेस्टिक मतलब जो गाइड किया गया है उसको फॉलो करते हुए गाइडेंस को, और देखते हैं क्या होने वाला है। मैं ना एयर टाइट वाली ऐसी पैकेजिंग थी जिसको मैंने ओपन कर दिया है, और कुछ इस तरीके से है ये ड्राइड लीव, जिसकी फ्रेग्रेंस भी बुरी नहीं है। तो किस तरीके से बनाना है वो तो अभी अभी गूगल करा हुआ है, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी थी और बहुत सारे गूगल पे सर्च करा था, तो सब स्टेप बाय स्टेप करने वाली हूँ। सबसे पहले स्मेल इज गुड। और यार आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बहुत सारे ब्रांड के मिल जाएंगे रोजमेरी लीव, ये है गो वेगन कंपनी। सबसे पहले तो मैंने अपना पैन चढ़ा लिया हुआ है और इसमें डालना है पानी। तो अभी ना मेरे बॉटल में जितना पानी है इतना पानी है, और ये बॉटल इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मेजरमेंट मैंने नहीं किया कितने लीटर की है, बट मे बी ये 1 लीटर की बॉटल है और इसपे इतना पानी है। देखो इसको आप कंज्यूम करके काफी दिन तक रख सकते हो अपने फ्रीजर में, बट यहाँ पे मेरे पास फ्रीजर नहीं है तो मैं इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ, जितना मैं 3 से 4 दिन यूज कर पाऊँ। 4-5 दिन बाद मैं फिर से इसको बॉइल करने वाली हूँ एंड फिर से यूज करने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए ये पूरा पानी मैंने डाला, डन। से इसको इसके अंदर डालना है रोजमेरी लीव। तो अभी एक स्पून ले लिया है डालने के लिए, ऐसे ऐसे करके मैं इसमें 5 स्पून डालने वाली हूँ। मुझे लगता है स्पून में बहुत ही कम आ रहा है तो हाथ से मुझे डालना पड़ेगा इसको।
ओके तो अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने ना इसको डाल दिया है। अब इसको कम से कम 25 मिनट तक के लिए बॉईल करना है, लेकिन मैं करने वाली हूँ सिर्फ 15 मिनट इसको बॉईल, क्योंकि पानी मेरा कम है और एकदम से ये सूख जाने वाला है। तो यार सच में टू बी ऑनेस्ट ये फर्स्ट टाइम है मैं जब इसको इस तरीके से बॉईल वगैरह कर रही हूँ, इससे पहले इसको कभी नहीं यूज करा हुआ है। तो आप लोगों के साथ में मेरा भी ये पहला ट्रायल है, देखते हैं यार एक्सपीरियंस क्या होने वाला है, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आने वाला है। अभी के लिए तो ये बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बस हम इसको चढ़ा दिया है। कुकर देते हैं साइड, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इसी के अंदर में ना वो लोग डाल देते हैं करी लीव या फिर कुछ भी और, तो मैं नहीं ऐड करी हूँ। मुझे लगता है अकेले इसको ऐसे बॉयल करूँ और इसको लगा लूँ, क्योंकि अकेले भी इसको लगाया जा सकता है। इस प्रोडक्ट के साथ में आपको एक और चीज की जरूरत पड़ने वाली है और वो चीज है एक स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल होगी तो आप इसे इजिली अपने हेयर में स्प्रे कर पाओगे अप्लाई करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब रोज हिप की एक बॉटल जो की पटी हो चुकी है, इसको वॉश करने वाली और इसी को यूज करने वाली हूँ। जैसे अगर ना होता ना तो आपको DIY वगैरह में या फिर कहीं भी लोकल मार्केट में भी फ्री बॉटल्स मिल जाती हैं, आप परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी जो घर पे बॉटल्स आई हैं उनको वेस्ट ना करें और उसी में आप ये सारे DIY भी बना सकते हो। अभी यार ना ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे। जो खुशबू आ रही है ना बिल्कुल सैंडलवुड पाउडर जैसे आ रही है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रही है। इसको तब तक बॉयल करूंगी जब तक ये एकदम आधा ना हो जाए पक के अच्छे तरीके से। और ऐसा मैंने वीडियोस में देखा है कि इसका कलर भी चेंज होता है, आई डोंट नो, देखते हैं आगे वीडियो में कलर चेंज होता है या फिर नहीं, क्योंकि पहले कभी नहीं यूज किया। वेट करते करते गाइस अभी हो चुके हैं 10 से 15 मिनट और मैं बाहर टहलने लग गई थी। अभी ये बिल्कुल भी हाफ नहीं हुआ, बहुत ही धीरे धीरे बॉयल हो रहा है यार, टाइम लग रहा है। टहल टहल के इधर उधर मैं वेट कर रही हूँ, बिल्कुल लाइव हर चीज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि क्या कहते क्या है। मैं अप्लाई भी करने वाली हूँ ऐसे वीडियो के एंड तक आप लोग देखेंगे तो। और बता दूं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, आप लोग बड़ा स्ट्रगल से वीडियो बना रही हूँ बहुत दिन बाद। वैसे ब्लॉग मैं शूट करती रहती हूँ शेयर करती रहती हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी वीडियोज को बनाने के लिए जिसमें आप लोगों को सजेस्ट करना पड़े, आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। मैं झूठी चीजें शेयर नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा भी घुस जा रहा है भाई मेरे मुंह में। बड़े ही रफ्तार से ये बॉयल हो रहा है और हाँ इसका हल्का सा ना कलर चेंज भी हुआ है, मुझे दिख रहा है हल्का, ये जैसे ग्रीन टी टाइप का नहीं होता बिल्कुल वो वाला कलर आ चुका है लाइट ग्रीन कलर का, क्योंकि मेरा पैन जो है वो स्काई कलर का है तो इसमें पता कम चल रहा है। अभी फाइनली ये बॉयल हो चुका है, बारी आ गई है इसको स्टेन करने की, जिसको मैं एक बाउल में करने वाली हूँ और स्टेनर लेने वाली हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। ये रहा मेरा प्यारा सा बाउल, ये है स्टेनर और अभी चलो इसको करते हैं स्टेन। ओह कहीं बिस्तर पे ना गिर जाइए। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेन कर लिया है और इसका कलर चलो आपको दिखाते हैं और बात करेंगे फ्रेग्रेंस की। फ्रेग्रेंस तो एकदम बिल्कुल चंदन जैसी है और बाहर चल के कलर दिखाते हैं एकदम बढ़िया नेचुरल लाइट में आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कलर गाइज इसका एकदम पता है कैसा लग रहा है, ब्लैक टी जैसा। देखते ही देखते ब्लैक टी कब बन गया पता भी नहीं चला। अब इसको ना ठंडा करके मैं स्प्रे बॉटल में डालूंगी। वो गरम बिल्कुल भी अपने हेयर्स में इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि गरम कोई भी चीज अपने बाल में अप्लाई नहीं करना चाहिए, उससे बाल रफ और बेकार हो जाते हैं। तो वेट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और आप लोग मुझे ये चीज बताना, अगर वीडियो देख रहे हो यहाँ तक पहुंच गए हो तो, कि जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं लाइक ये वाली अभी तो मैं इसको फेंक देने वाली हूँ, लेकिन आगे भी मेरे पास बहुत सारी रोज मेरी है जिसमें ये वाला चीज बचने वाला है, इसका कोई एक यूज बताना मुझे कि मैं इसको बॉयल करने के बाद और क्या कर सकती हूँ, तो उसका भी DIY बनाएंगे, लेकिन आप लोग बताओगे। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो जो बना पा रही हूँ रोजमेरी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, आपने बताया जो वीडियो देख रहे थे आप लोग बताओगे कि इस बच्चे हुए रोजमेरी का क्या करेंगे, तो वो भी मैं करके आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ताकि और जो लोग वीडियोस देखें उनकी भी हेल्प हो पाए और वेस्ट होने से चीजों को बचा पाए। वेट करते हैं ठंडा होने का, फिर इसको फिल करते हैं बॉटल में और स्प्रे करते हैं, कहते हैं कि बालों में क्या 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 हो रहा है। तो गाइज अभी ये हो चुका है ठंडा ठंडा और इसको फिल करने वाले, पता नहीं कि मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, लेकिन वीडियो शूट करना है क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया, इसीलिए गाइस मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ किसी भी चीज का स्पेसिफिक, ऐसी वाली वीडियो जो कंटिन्यू बोलना हो, कोई भी चीज ऐसी रेमेडी शेयर करनी हो, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे हो जाता है यार। अभी तो मेरे पैर लग रहे हैं ना टूट जाएंगे, ये वाला राइट हैंड है या फिर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड वाला जो लेफ्ट साइड वाला लेग जो है मेरा वो बहुत 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 बुरी तरीके से दर्द कर रहा है। बाय द वे इसको फिल करते हैं, बड़े आराम से फिल हो गया और एक बॉटल पूरा भर के है, बहुत ही आराम से इसको मैं 4 से 5, 6, 7 दिन भी यूज कर सकती हूँ। और यार एक खुशी की बात है कि इसको मैंने आज बना लिया और कल ही मुझे घर निकलना है, वहां पे फ्रीजर तो है ही, ऑब्वियस सी बात है घर पे, तो यार आराम से इसको मैं फ्रीजर में स्टोर भी कर सकती हूँ। अच्छा वो ज्यादा बन गया। इट्स टाइम टू अप्लाई ऑन माय हेयर, अभी अप्लाई करने वाली हूँ लेकिन रूम के अंदर नहीं बाहर, क्योंकि रूम के अंदर इसकी बहुत ज्यादा स्मेल फैल चुकी है और ज्यादा देर तक किसी भी चीज को स्मेल करना बहुत गंदा लगता है मुझे। हेयर्स में करेंगे थोड़े थोड़े से पार्टीशन इस तरीके से और इसको करेंगे स्प्रे
स्प्रे टेस्ट बहुत अच्छे से हो रहा है। और यार अभी तक ना जितनी भी होम रेमेडीज कभी मेरे लाइफ में बनाई हुई है बहुत ज्यादा मेस होता है, लेकिन ट्रस्ट मी इसको बनाने में एक पॉइंट भी 0.1% भी कोई मेस नहीं है। बस बॉयल किया, फिल कर दिया और कुछ नहीं हुआ यार, बहुत आराम से हो गया। बाकी ये है मेरा फर्स्ट डे। और गाइज आज ही से ये चैलेंज भी स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे टू 15th डे। बहुत अच्छा होने वाला है, जरूर देखना आप लोग। और पता है हर दिन मैं इसको रात में लगाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और एक्साइटेड भी हूँ अप्लाई करने के लिए, तो अभी ही लगा ले रही हूँ। बाकी रोज रात में सोने से पहले एक बार मैं इसको डेली अप्लाई करूँगी, डेली डेली। और बड़ा ही रिलैक्सिंग लग रहा है अपने हेयर्स के रूट्स में टच करके। चेहरा देख रहे हैं मेरा कैसा हो चुका है। तो पूरा लगाने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक इस तरीके से मसाज करना है, आप लोग भी करना। और गाइस इसी के साथ में ये वीडियो को अभी मैं एंड करने वाली हूँ। बाकी इसका 15 दिन का पूरा एक चैलेंज आने वाला है जो मैं डेली अप्लाई करने वाली हूँ। सेकंड ऐसा मेरा वीडियो आने वाला है, पहली बार मैंने राइस वाटर का किया हुआ था बहुत पहले, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन ये याद है कि मैंने बनाया था वो वीडियो। तो देखते हैं 15 दिन बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में लाइव आपको देखने को मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि 15 दिन तक मैं कोई वीडियो नहीं डालने वाली, डेली व्लॉग जो मेरे होते हैं वो तो आने ही वाले हैं। बाय बाय गाइस, लव यू। और इस तरीके से बहुत ही इजीली इसको आप यूज कर सकते हो। बाय, लव यू ऑल।